लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 9 अप्रैल की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। सीजेआई बोले, बिना फैसले के मामलों को रिजर्व रखना गलत। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल। सशस्त्र बलों के लिए साझा कार्य संस्कृति विकसित करने की जरूरत, त्रि सेवा सम्मेलन में बोले सीडीएस चौहान। ईसी दफ्तर के बाहर टीएमसी का धरना, जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग, हिरासत में लिए गए सांसद। संवेदनशील मुद्दे पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, चुनाव के बीच मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी बोले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गठबंधन, फाइनल 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, यूक्रेन युद्ध के लिए हम जिम्मेदार नहीं, चीन ने रूसी विदेशी मंत्री के बीजिंग दौरे पर दिया बयान। ताइवान पर चीन की बुरी नजर, समुद्र सीमा के पास फिर मंडराए चीनी नौसैनिक जहाज। गाजा के खान यूनस से पीछे हटी इजरायली सेना, लोग बोले यहां सिर्फ मलबा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट जज पर फूटा एलन मस्क का गुस्सा, संविधान को धोखा देने का लगाया आरोप। खेल संबंधित समाचार, मोंटे कार्लो मास्टर्स में 42 साल बाद भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल ने सिंगल्स के मेन ड्रॉ में जगह बनाई। आईओए प्रमुख पीटी उषा का बड़ा आरोप, कहा कार्यकारी परिषद के सदस्य मुझे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से पहले भारत को निलंबित कर सकती है आईओसी। और बिजनेस संबंधित समाचार, यूट्यूबर पर चला एसईबीआई का चाबुक, 12 करोड़ रुपए जब्त करने का आदेश, मार्केट से भी किया बैन। ईडी ने सन परिवार समूह से जुड़ी 25.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। सेंसेक्स 74,869 और निफ्टी ने 22,697 का ऑल टाइम हाई बनाया। फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.45 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिकी, मारुति ने सबसे ज्यादा 16 लाख कारें बेची। दीपक मेहरोत्रा आकाश एजुकेशन के नए एमडी और सीईओ बने। और समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।